सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 24 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्च 2022 में किस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मार्च को हम विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो ये कविता दिवस है, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन ने 21 मार्च 1999 पेरिस में यूनेस्को के 30वें सत्र के दौरान काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करने और लुप्त प्राय भाषाओं को सुनने के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को बनाया था। ठीक है, तो याद रखना ये 1999 में पेरिस में जब यूनेस्को ने 30वें सत्र में इसको अपनाया था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है ना, जो भी स्टॉप रेसिज्म जो डे है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड? वो है 21 मार्च को हम रेसिज्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको बनाने की जो पटकथा है वो है 1960 में इसी दिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एक कानून पास कर दिया गया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि उसके खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 69 लोग मारे गए और 180 तक कहते हैं घायल हुए। तो इसी को देखते हुए 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इसके ऊपर एक विश्व रेसिज्म दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी। ठीक है, तो याद रखना 21 मार्च को हम रेसिज्म बनाते हैं, जो कि 1960 में जो दक्षिण अफ्रीका में किए गए लोगों पे किए गए अत्याचार के कारण इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं फ्रेंड अगर इस दिन की थीम की बात करें तो ये देख सकते हो, वॉइसेस ऑफ एक्शंस अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, तो ये थीम याद रखना, बाकी 21 मार्च को हम रेसिज्म दिवस मनाते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सतर्द बाडी मुखा मेदोव ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए फ्रेंड? इन्होंने शपथ लिए तो किस देश के ये बने हैं राष्ट्रपति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान के ये राष्ट्रपति बने हैं नए। ठीक है, तो याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी राष्ट्रपति इनकी राजधानी याद रखना, काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है, राजधानी है जो उसकी अशकाबाद। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, अशकाबाद। ठीक है फ्रेंड, ये जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, जो कैप्शियन सी से लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्शियन सी से लगता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसकी एक सी बॉडी जो है वो है कैप्शियन सी के पास, ये पूरा ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूएन के महासचिव का नाम बताना जिन्होंने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री जेती घोष को संयुक्त राष्ट्रीय के सलाहकार के रूप के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है। इनका नाम क्या है फ्रेंड? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इनका नाम है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। इन्होंने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के रूप में चुना है, क्योंकि ये महिलाओं और लड़कियों की केंद्रता और युवा लोगों के और भावी पीढ़ियों के हितों के ध्यान में रखते हुए उनके लिए नए नए जागरूक मुद्दे उठाती रहती है टाइम टू टाइम, तो इनको सलाहकार बोर्ड में इनको चुना गया है। ठीक है, याद रखना, महासचिव गुटेरेस वहाँ के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। स्थापना अगर बात करें 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पूरी चीज़ें इसके बारे में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किसे मार्च 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मणिपुर है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन है तो आने के पूरे चांस रहते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो किसे चुना गया फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन बीरेन सिंह। ठीक है, इनको मणिपुर का मुख्यमंत्री सेकेंड टाइम चुना गया है, जो भाजपा जो वहाँ पर जीती है उनके ये भाजपा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और उनके तरफ से कार्य करेंगे ये। ठीक है, तो इनको मणिपुर का मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया गया सेकंड टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से मणिपुर के भी वहाँ पे चुनाव हुए थे। ठीक है ना, मणिपुर में टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने 32 सीटों पर जीत कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, तो
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर के भी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है एन बीरेन सिंह। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन है बांग्लादेश से, म्यांमार से, मणिपुर, सॉरी मणिपुर बांग्ला म्यांमार से, और यहाँ पे असम से, आइजोल यानी कि ठीक है ना, आइजोल मिजोरम के साथ ही अपनी बाउंड्री साझा करता है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इन दो राज्यों से निकलती है बस मात्र, ठीक है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन दो राज्यों से निकलती है, एक तो त्रिपुरा हो गया और एक हो गया मिजोरम से, ठीक है, इन दो राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन दो से ये निकलती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना और लिख लेना। किसने दोहा कतर में आयोजित 19वीं एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती? बिलियर्ड मतलब जो स्नूकर आपने देखा होगा ना वो, ये पंकज अडवाणी है, बहुत ही उमदा प्लेयर है ये, इन्होंने ये बिलियर्ड फिर से बारी जीत ली है, ठीक है ना, तो इन्होंने ये जीती है, पंकज अडवाणी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पंकज अडवाणी बहुत ही उमदा प्लेयर हैं बिलियार्ड यानी कि स्नूकर के, और इन्होंने फिर से ये जीत ली है, तो याद रखना काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पंकज अडवाणी एक बिलियार्ड यानी कि स्नूकर के प्लेयर है, तो ये भी याद रखना कि स्नूकर में खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या बिलियार्ड याद रखना या शुक्र याद रखना, दोनों में से आपको नाम याद होना है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षय योग यानी कि विश्व ट्यूबरक्लोसिस टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस, हर साल 24 मार्च को तपेदिक टीबी के वैश्विक बीमारी और बीमारी महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व क्षय योग दिवस मनाया जाता है, और 1982 में इस दिन को चिन्हित करती है 1882 फ्रेंड्स, जब डॉक्टर रॉबर्ट्स कोच ने घोषणा की थी कि उन्हें टीबी का कारण अपने बनने वाले जीवाणुओं की खोज की है, ठीक है ना, तो उन्होंने ये 1882 में करी थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, और इस साल की जो थीम रखी गई थी वो याद रखना है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्षय रोग के बारे में, टीबी के बारे में आप पूरी जानकारी लिखी है जो आपको ये बारी पढ़ लेनी है, ठीक है, तो 24 मार्च को हम विश्व क्षय योग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड इस तरीके से लोगों ने कुछ अपनी आर्ट्स के थ्रू इस दिन को बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड टीबी डे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फोर्स ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्रेंड तो फ्रेंड किसने किया है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक ने ये स्कीम ये घोषणा की है कि वो स्मार्ट हब व्यापक कार्यक्रम व्यापार कार्यक्रम और इस ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में तो मुख्यालय इसका मुंबई में अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और सीईओ और इसके अध्यक्ष के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या रहेगी, स्मार्ट हब व्यापक कार्यक्रम क्या रहेगा, व्यापार कार्यक्रम क्या, तो वहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी है, पढ़ लेनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता आप डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सके, ठीक है फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पूरे पूरे चांस को, यानी कि बरहीन इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 बरहीन ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो किसने जीता ये, चार्ल्स लिकर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्योंकि इन्होंने जीता ये चार्ल्स लिकर ने, क्योंकि लुइस हैमिल्टन इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड ये बहुत बड़े प्लेयर हैं ये लुइस हैमिल्टन, जिन्हें इस बार ये तीसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने ये खिताब जीता है, ठीक है, चार्ल्स लिकर ने, नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन पूरे पूरे चांस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस साल ये किसने जीता है, चार्ल्स लिकर ने जीता है ये, ठीक है, लुइस हैमिल्टन इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है ये फॉर्मूला में, ठीक है, रेसिंग कार में बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, नोट डाउन करके रखना, ताकि कोई भी इस तरीके की चीज़ आपके एग्जाम में आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? फ्रेंड कौन सी है वो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड एक ऐसी विधानसभा बन चुकी है जो पेपरलेस कार्य करेगी, ठीक है फ्रेंड। नागालैंड हाल ही में कार्यक्रम को लागू करने के साथ भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने के साथ भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। यह नीवा एक प्रकार की कार्य प्रणाली है जिसमें
NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय, नागालैंड एक ऐसा राज्य बन चुका है जो पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, बहुत बड़ी फ्रेंड बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करें नागालैंड की, तो कोहिमा वहाँ का, वहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री निफ्यू रियोए वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, नागालैंड, अगर हम बात करें नागालैंड की, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी रहे, तो आप देख सकते हो नागालैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो अरुणाचल प्रदेश और असम में, और इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ म्यांमार यानी कि बर्मा और मणिपुर के साथ ही अपनी बाउंड्री साझा करता है। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।